खुदावंद का हूं। और हम तेरा शुकर करते हैं कि हम दो या तीन से ज्यादा है खुदावन तू तो हमें मल्टीप्लाई और कर ताकि खुदा जो हमसे बात करना चाहते हैं जो हमें वो तालीम देना चाह रहे हैं अपनी सच्चाइयों को हम तक पहुँचा रहे हैं खुदावन फाखरू के जरिए हम वो सब उससे अपनी जिंदगी में रिसीव करें यीशु के नाम में और हम और ज्यादा खुदावन में मजबूत और पवित्र होते जाएं खुदावन में और ज्यादा बढ़ते जाएं यीशु के नाम में ना। आमीन प्रेज लॉर्ड हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए भी इस वक्त के लिए इस घड़ी के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शा है खुदावन का शुक्र हो मैं एक वर्ष पढ़ूंगी मैं एक वर्ष पढ़ूंगी जो बुनियाद उसने मुकदस पहाड़ों पर रखी खुदावन इसे यानी अबाब सहून को यकूब के तमाम मस्कन की नस्बत ज्यादा अजीज जानता है प्रेज द लॉर्ड अब मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए जिसे खुदावन का रूह उभार रहा है वो ओपनिंग प्रेयर कर सकता है प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदावन तेरा शुक्र हो हाले लोहिया हाले लोहिया हाले लोही खुदा तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ करते हैं तुझे हम दो स्त की लायक है प्यारे खुदावन तू जो हमारा ऊंचा बोर्ज है प्यारे खुदावन तू जो हमारा हरावल हमारा चंडावल है हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए तेरी हजूरी के लिए तेरे के लिए तेरा शुक्र करते हैं ये जी हालेलुया हालेलुया शुरू से मीटिंग पे आखिर तक प्यारे खुदावन तुम हमारी रहनुमाई करना ये जी तेरा पाक रू हमें आगे पीछे से घेरे रखे ये जी हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जी जस प्रेर प्यारे खुदावन जितने भी यहाँ पे मौजूद है प्यारे खुदावन तो एक एक को छू ले प्यारे खुदावन और अपने पाखरू से भर देना प्यारे खुदा जी तेरा शुक्र करते हैं जो भी कलाम सुने आज प्यारे खुदावन वो हमारे भाई से बरकत हो प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ तेरी तारीफ करती हूँ ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदा युसु मसीह के वसीला से और पा लेती हूँ आमीन आमीन

और हमारे हमारे दिलों में ये कलाम नक्श करें खुदा पाक रूह हमारी जो रहनुमाई करें हमें समझ वो अक्ल दें वो समझ दें और खुदा उनकी सातों रूहें हम इजाजत देते हैं कि वो हमें काम करे ताकि हम खुदा उनके गहरे बेदों को बड़े जो उसे ले सके अपनी जिंदगी में खुदा को कबूल करें यीशु के नाम में आमीन प्रेज लॉर्ड अब मैं हम अपने वर्शिप का आगाज करते हैं इसके लिए मैं सबसे पहले सिस्टर वफा से कहूंगी कि वो लीड करें हमें आगे वर्शिप में प्रेज लॉर्ड सिस्टर जी तेरे नाम में जिएंगे तेरे नाम में मर जाएंगे तेरे नाम में जिएंगे तेरे, तेरे नाम में मर जाएंगे हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस करने से हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस जाए दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस जाए तू हर दम तैयार है रहता तू हर दम तैयार है रहता नेमसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी करने से हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस करने से जीवन की तन में मैं तेरा नाम पुकारूंगा जीवन की तन में मैं तेरा नाम पुकारूंगा चाहे आंसू हो आंखों में मैं न कभी भी हारूंगा चाहे आंसू हो आंखों में मैं न कभी भी हारूंगा गिर जाओ तो हाथ तेरा है गिर जाओ तो हाथ तेरा है फिर से खड़ा मुझे करने को फिर से खड़ा मुझे करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी करने हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस करने से कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती तोड़ मुझे कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती तोड़ मुझे चट्टानों से भिड़ जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे चट्टानों से भीड़ भिड़ जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे कर लिया तैयार है खुद को कर लिया तैयार है खुद को सूली पर भी चढ़ने को सूली पर भी चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परसिश करने से हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परिश करने से तेरे नाम में जिएंगे तेरे नाम में मर जाएंगे तेरे नाम में जिएंगे तेरे नाम में मर जाएंगे आमिन प्रेज द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी खुदा आपको बड़ी बरकत दे खुदा का शुक्र कहते हैं कि खुदा की तारीफ करने के लिए उसके नाम को ऊंचा करने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं और खुदा की आवाज को सुनने के लिए क्योंकि खुदावन हमारे दरमियान मौजूद है हम सभी ईमान रखते हैं कि खुदावन हमारे आने से पहले इधर मौजूद है खुदा पाकू इधर जुम्बश करते हैं खुदा मोहब्बत और प्यार और उसकी शफकत के लिए जो हम हमारे साथ करता है हम पे करता है अपनी रहमत खुदावन का शुक्र हो अब मैं एक पर्स पढ़ूंगी पर तू है खुदावन खुदाए करीम और रहीम तबील الصبر बेहद शफीक और वफादार मेरी तरफ मत वज्जा हो और मुझ पर अहम कर प्रेज लॉर्ड अब मैं नेक्स्ट वर्शिप के लिए सिस्टर आनंददीप से कहूंगी कि वो आगे लीड करें हमें सिस्टर आनंददीप सिस्टर जी आपको मेरी आवाज आ रही है हाँ जी प्रेज द लॉर्ड मैंने कला प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड मेरे नाल है खुदा जो कर देने बंद की उना दे सुने दुआ, uh -huh. दुआ मैंने कला कल मेरी uh -huh. नाल है खुदा सतरक में uh -huh. शब्द ने को को बल्दी विच पाया बल्दी अग विच आप खुदा बंद पुत्र बन के आया वो अपने दे देता नाल सदा मैं नहीं मेरे न है खुदा जो कर देने बंदगी सुना दे सुने दुआ पॉलिस अते से ला सुनु देखो बिच जेल दे पाया अत्ता पैर बिच बेड़िया रब वेक ना पाया उना दी बंदगी ने ਦਿੱਤੀਏ ਜੇ ਲਹਿਲਾ ਉਨਾ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਲਹਿਲਾ ਮੈਨੇ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀ ਉਨਾ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਵੇਖੇ ਮਨ ਕਬਰਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿਤਾਏ ਰਾ ਵਿਖਾ ਮੈਨੇ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ जो कर देने बंदगी उना दे सोने दुआ मैंने कल्ला मेरे नाल है खुदा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर जी गॉड ब्लेस यू मैं एक वर्स पढ़ूंगी ऐ खुदावन तू ही पुश्त पुछत दर हमारा हमारी पनागा रहा है बेशतर इसके कि पहाड़ पैदा हुए और जमीन और दुनिया की दुनिया खलक की गई अजल से लेकर अब तक तू ही खुदा है प्रेज लॉर्ड अब मैं नेक्स्ट वर्शिप के लिए सिस्टर नीलम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे लीड करें हमें वर्शिप में प्रेज लॉर्ड सिस्टर जी प्रेज लॉर्ड एक मिनट नहीं तो देर से देख их на дискет Oh God, God. Mm -hmm. मैं करना चाहूंगी है मेरी जान खुदावन को मुबारक है है जो कुछ मुझ में है इसके नाम कदूस नाम को मुबारक है प्रेज लॉर्ड जी सिस्टर जी आप हैं हाँ जी हाँ जी देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीया रहा है देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीया रहा है आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीया रहा है आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसी आ रहा है वो भी कैसी सवारी है देखो आसमां की बेदारी है देखो वो भी कैसी सवारी है देखो आसमां की बेदारी है देखो बाजे बजते हैं तू काते हैं बाजे बजते हैं तू काते हैं क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीया रहा है अब नहीं है वो कांटों का सेरा वो तो पहने है दुल्हा का सेरा अब नहीं है वो कांटों का सेरा वो तो पहने है दुल्हा का सेरा जिंदगी जेबतन कैसी प्यारी दुल्हन जिंदगी जेबतन कैसी प्यारी दुल्हन जिसको लेने दूल्हा आ रहा है जिसको लेने दुल्हा आ रहा है देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीहा रहा वहां सूरज ना चांद और न कोई वहां मुर्दे पड़े हैं न कोई वहां सूरज ना चांद और न कोई वहां मुर्दे पड़े हैं न कोई हम सब डरते हैं और कांपते हैं हम सब डरते हैं और कांपते हैं राज करने मसीया रहा है राज करने मसीया रहा है देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीया रहा है। ये दुनिया हमारी मिठेगी इतनी दुनिया फिर से बसेगी ये दुनिया हमारी मिठेगी इतनाई दुनिया फिर से बसेगी सब नया होगा जग नया होगा सब नया होगा जग नया होगा नया करने मसी आ रहा है, नया करने मसीआ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसी आ रहा है, आंखें अपनी उठा कर तो देख कैसी शान से मसी आ रहा है आले लुया फ्रेज लॉर्ड

जवान होता है प्रेज़ लॉर्ड खुदावन का शुक्र करते हैं हम खुदावन के इस मोहब्बत के लिए कि खुदावन हमारे दरमियान मौजूद है और वो हमारी वर्शिप पे और हमारी दुआओं पे हमारी आवाजों को हमारे लबों की सराहट को ही सुन रहे हैं हमारी शुक्र गुजारियों को वो कबूल करें इसके लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं खुदावन की खादमा जिन्हें खुदावन ने अपने रूह से भरा है जो खुदावन की से, खुदावन ने अपने भी कि वो हमें सच्ची तालीम दें खुदा उन पर अपना ये मसा जारी हेलो मेरा लॉर्ड आवाज आ रही है मैं सनिया की नहीं आवाज नहीं थी आ रही उनकी अच्छा लॉर्ड चलिए हम दुआ करते हैं खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है और खुदा उनका तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है ये हमारी जो हमदोसना की खुदाउन ने उसको कबूल किया खुदा उनका हम शुक्र करते हैं हम कलाम के लिए दुआ करेंगे और खास खुदा उनसे मदद मांगेंगे कि इसको समझने में बयान करने में खुदांद मेरी मदद करे और आपकी भी मदद करे और हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदाउन तेरा शुक्र है तेरी तारीफ हो बाप खुदाउन खुदाउन तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाउन तो यहाँ पे हमारे दरमियान जहाँ जहाँ भी हम बैठे हैं खुदाउन तेरा हाथ हमारे ऊपर बड़ा हुआ है खुदा तो ने हमें अपने बाजुओं में छुपाया हुआ है हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ करते हैं तो किस कदर हमारी फिकर करता है, हमसे प्यार करता है और खुदांद वो सब कुछ जो हमें चाहिए खुदा जो तैयारी के लिए चाहिए खुदा तो हमारी मदद कर रहा है। वो समझने में उसके ऊपर अमल करने में खुदा खुदा वो तो भेद जो वो है अः जो हमारे लिए जरूरी है उस दुल्हन के लिए जरूरी है कि वहां हम अपने दाग धब्बे झुरियां मिटाएं खुदाउन तो हमारी रहनुमाई कर रहे तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरी तारीफ हो खुदम तू ऊंचा हो खुदा हमारी जिंदगी में हमारे घरों से हमारी चीजों से खुदम तेरे ते नाम को जलाल मिले खुदा हमारे घरों में हमारे बदनों में हमारे सोचो ख्यालों में कोई ऐसी बात कोई ऐसी चीज ना हो खुदाम जिससे तुझे शर्मिंदा होना पड़े कि ये शैतान की चीज तो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा हम जो सोच रहे हैं वो शैतान की तरफ से है खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाक रुकते हो हमारी मदद कर रहा है हमें ये भी अभी अपने अंदर से निकालना है अपने घरों से निकालना है ताकि सफाई हो ताकि खुदम ये की आमद के लिए हम तैयार हों कोई खुदा खुदा ऐसी चीज हमारे घरों में ना हो खुदा तू हमें बता रहे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ हो खुदा खुदा कोई ऐसे रसूमात में हम शरीक ना हो कोई ऐसे त्यौहार जो हमारे लिए नहीं है खुदा तू हमें बता रहा है हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा मैं सब के लिए खुदा तेरी बड़ी ही हिकमत तेरी दानिश तेरा फहम तेरी समझ मांगती हूँ ताकि खुदा खुदा तेरे लोग जिनसे खुदा तो बातें कर रहे है खुदाम जब इस कलाम को लेते हैं तेरे मुंह की बातों को लेते हैं तो खुदाद उस पे अमल करने वाले हों खुदाद शैतान के सामने खड़े हो जाने वाले हों खुदा अपने घरों से अपनी जिंदगीों से इसको निकालने वाले हों खुदा तो बड़ा ही फजल देना खुदाम खुदा बड़ा ही हम पे रहम करना तर्स खाना खुदाता के जो तेरे दिल की आवाज है जो तू तो हमसे कर रहा है खुदा खुदा जो तू तो हमें बताना चाहता है एक बाप की तरह समझाना चाहता है कि ये चीजें ये काम ये रसूमात हमारे फायदे के लिए नहीं है हमारे नुकसान के लिए हैं ये हमें उस तक पहुंचने नहीं देती ये वो रुकावटें हैं ये वो पहाड़ हैं जो हमें ये सु तक जाने नहीं देती जो उस पाकिजगी में उसकी मोहब्बत में बढ़ने नहीं देती ऊधम धाम तेरा शिक्र करते हैं कि तू हमें एक बाप की तरह समझा रहा है बता रहा है तू हमारी फिक्र करता है कि कहीं इनकी वजह से हम पीछे ना रह जाए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा यीशु तूने यीशु हमारे लिए जान दी तूने अपने लहू का बहा दिया तूने अपना नाम हमें बख्शा ताकि इस नाम से इस तेरे लहू से जो बदरूहे हैं जो शैतानी कूदते हैं जो शैतानी सारे चक्कर हैं वो डरते हैं वो कांपते हैं वो मरे घरों में हमारे बदनों के ऊपर अंदर ठहर नहीं सकते तेरे नाम में वो कुत है वो ताकत है खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि वो नाम तूने हमें बख्श दिया तूने हमें दुनिया से निकाल लिया नहीं तो हम भी उन प्रस्तियों में खुदाम खुदा पड़े होते उन ऐसे त्योहारों में फंसे होते खुदाम खुदा जिनका खुदा खुदा कोई अजर नहीं है आ खुदा कोई आ खुदा तेरी तरफ से कोई अजर नहीं है खुदा तू हमें उनमें से निकाल रहा है खुदाम खुदा तेरा शुक्र करते हैं हमें आजाद कर रहा है उसके जी जो जाल हमारे बिछाता है जो खुदाम खुदा वो चाले मकारी से चलता है खुदाम खुदा, खुदा तू हमें समझा रहा है कि हम उसकी चालों को समझे हम उसके जाल में कहीं फंस ना जाए जैसे हवा उसके जाल में फंस गई थी खुदाम खुदा उसकी मक्कारी से जो उस

जब बोया जाए तो खुदा वो सौ गुना फल लेके खुदा कोई भी हम में से ऐसा ना हो जो तेरे इस कलाम पे अमल ना करे खुदा उन सबको भारी फजल देना खुदा ताकि सब तेरे इस कलाम पे अमल करें तेरे इस मुंह की बातों पे अमल करें जो तूने खुदाम खुदा हमारे लिए हुक्म दिए कानून बनाए खुदा खुदाम हम उन पे अमल करें ताकि खुदा यसु तेरी मानद बन जाए खुदा तो हमारे ऊपर कोई ऐसी कोई ऐसा दाग कोई धब्बा कोई झुरी बाकी ना रहे खुदाता ताकि खुदम ये जब तू आसमान पे आए बादलों पे आए तो हम सब मिलकर हवा में उड़ कर तेरा करें, खुदा आज सबको भारी फजल दे के हम सब एक रूम में बंद जाए खुदा ताकि कोई भी आ, किसी भी तरह से खुदा किसी को भी शैतान खुदा हमसे छीनने ना पाए खुदा तो उससे दूर ना करने पाए इस मीटिंग का पूरा होल्ड खुदा ये खुदा पाकरू में तेरे कंट्रोल में दे देती हूँ ताकि एक एक को जहाँ जहाँ कोई बैठा है जहाँ कोई सुनेगा तो खुदा पूरा तेरा होल्ड हो खुदा कोई भी बदी की कुत कलाम को खुदा खुदा ना समझने में खुदा इस पे अमल करने में रुकावटें पैदा ना करे यस्सू के नाम से हम सब पे खुदा तेरा हाथ बढ़ा रहे खुदा तेरा कुदरत वाला तेरा ताकत वाला हाथ बढ़ा रहे ताकि खुदा खुदा हम तेरे कलाम को समझ के उस पे अमल करने वाले हों खुदा वो बड़ी हिकमत वो दानिश वो फहम वो कुदरत की रूह वो ताकत की रूह खुदा वो तेरे डर और खौफ की रूह हमारी जिंदगियों में काम करे, जब इस रोटी को इस इस पानी को ले, इस तेल को तेल तो लेदा हमारे अः पूरे बदन से हमारे घरों से उस सारी गंदगी वो नापाकि खुदा जो हमने जाने अनजाने में खुदा ये चीजें अपने घरों में लेके हमने वो काम की है वो तेरे लहू से तेरे अः खुदा खुदा खून से तेरे नाम से वो धुल जाए खुदा खुदा हम तेरे सामने आज इकरार करते हैं कि हमने तुझे दुख दिया हमने तुझे नाराज किया हमने वो काम सारे किए जो शैतानी काम थे जो खुदाम खुदा तेरे, तुझे तेरे उनसे नफरत है खुदाम खुदा तेरी नजर में खुदाम खुदा हकीर है खुदाम खुदा तेरी नजर में वो हमें तुझसे दूर करते हैं वो शैतानी काम है खुदम खुदा हमें माफ कर हमें हम तोबा करते हैं और इकरार करते हैं और माफी मांगते हैं कि हम आइंदा से ये सारे काम जो तुझे नापसंद है जो हमारे बाप को जो हमारे पसंद नहीं है वो हम काम नहीं करना चाहते हमें भारी फजल दे तर्स खा खुदा खुदा ताकि जो कुछ भी हमने जान बुझ के भी किया है या अनजाने में किए हैं काम खुदा हम माफी मांगते हैं तुझसे और तौबा करते हैं कि आइंदा ये काम हम अपने घरों में अपनी जिंदगी नहीं है जो इंसानों ने बनाए हुए हैं सब नहीं करना चाहते खुदा पे भारी फजल करना खुदाम खुदा तेरा शिक्र करती हूँ तेरी तारीफ करती हूँ खुदा यसूर क्योंकि खुदम तू ही इज़्ज़त और तारीम सारे महबूदों से खुदम तो ऊँचा खुदा है तू ही खुदा है जिस जो सजदे के लायक है जो तारीफ के लायक है खुदा खुदा बाकी सारे बुद्ध हैं बाकी उनमें कोई कुत नहीं है कोई ताकत नहीं हम उनसे क्यों डरें? खुदा खुदा तू ही आ, खुदा हमारे अंदर वो अपना डर और खौफ पैदा कर ताकि खुदा हम इनके पीछे ना लगे कि इनको ना करने से कहीं हमारे काम जो है वो रुक ना जाए हमारी जिंदगियों में कामयाबी आना बंद हो जाए खुदा खुदा ये डर और खौफ जो ये शैतान हमारे दिलों में लेके आता है डर और खौफ की स्पिरिट को खुदा, खुदा अपने ग्रुप से और जो यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं जो इसको सुनेंगे उनके घरों से उनकी जिंदगी के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यस्सू के नाम से और खुदा तेरा डर और खौफ तेरी मोहब्बत तेरा रोग तेरा दबदबा तेरा अख्तियार हमारे ऊपर आ जाए खुदा खुदा मुकम्मल बोर्ड मैं एक एक जिंदगी का खुदा ये सुख तुझे दे देती हूँ खुदा पाखरू पूरा कंट्रोल हमारी जिंदगियों का हमारे सोचों का हमारे ख्यालों का खुदा तुझे दे देती हूँ ताकि खुदा शैतान को किसी भी तरीके से हमारी जिंदगियों में कोई सुराख ना मिले कोई खिड़की ना मिले कोई दरवाजा ना मिले कि खुदा हम हमें वो फिर इन शैतानी चक्रों में डाले खुदा खुदा तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो ये सब कुछ हम बड़े ही ईमान और तवक्कल तो और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं आमीन आप ईमान से पानी को पिए और जिन्होंने रोटी रखी हुई है वो रोटी खाएं तेल लगाएं और मैं कहूंगी कि एक दफा फिर से हम जैसे हमने वो जो किया था हाउस क्लीनिंग तो आप फिर से एक दफा ये इन दिनों में जो हम रोजा भी रख रहे हैं और खुदावन की ही के देखेंगे के प्लान है कि इस तरह की अगर चीजें हैं हमारे घरों में या हमने की हैं तो अब दोबारा से एक दफा अपने घर को फिर से मसा करें वो पहले निकाले चीजें अपनी सोचों से भी और घरों से भी जो निकालना चाहते हैं ये खुदावन आपके ऊपर डाल बता रहा है अब आपकी मर्जी है कि उसके ऊपर अमल करेंगे ना तो तेल से ना एक दफा फिर से आप अप, अपने घर को मसा करें ताकि जब अब खुदी के पैदा होने की हम खुशी मना रहे हैं और खुदा उनसे गुनाह हैं जो गलतियां हैं जो कुताइया है, कर रहे हैं हम या की थी उनसे अपने आप को पाक साफ करें और अपनी चीजों को भी पाक साफ करें है ना तो आप जिस दिन भी आप कहें जो भी आप तैयारी कर रहे हैं घर की सफाई की तो साथ ही आप रूहानी तौर पे भी ऑयल जो है वो लगाए घरों तो मेरा ईमान है क्योंकि खुदाद इसीलिए ये सब मैं कहूंगी कि फिर से इन के बारे में इन बदरुहों के बारे में इन शतानी ताकतों के बारे में हमें फिर से आ, कह रहे हैं हमारी रहनुमाई कर रहा है कि ये हमें अः खुदावन से दूर लेके जाते हैं और हमारे ऊपर जैसे कह जो दाग और दबे लग जाते हैं हमारे कपड़ों पे हमारे काम वैसे नहीं रहते जो खुदावन को पसंद आए जो खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें है ना तो इसलिए हम फिर से करते हैं कि आप एक दिन जो भी आप को सूट करे यानी छुट्टी हो या जैसे भी तो आप ऑयल लें और अपने घर की सारी चीजों को फिर से करें है ना तो हम आ, ने सीखा उस हफ्ते के दिन के जो हम क्रिसमस है वो मनाना ठीक है या नहीं है या वो क्या है उसका मतलब क्या है तो हमने थोड़ा थोड़ा सीखा था कि क्रिसमस असल में नाम कह के बाइबल में है ही नहीं है है ना और ये लफ्स बाइबल में नहीं है और ये जो जिस तरह से हम मनाते हैं या डेट जैसे कह लें वो भी बाइबल हमें नहीं बताती कि खुदा महीने में पैदा हुए या आ, कौन सी डेट थी उनकी है ना ये हमें थोड़ी समझ लगती है कि वो सर्दियों के दिन थे है ना क्योंकि वहां लिखा है कि वो आग जो थे ताप रहे थे सेक रहे थे है ना तो इससे ये हमें पता चलता है कि वो सर्दियों में थे लेकिन डेट जो फिक्स थी वो बाइबल हमें नहीं बताती लेकिन हिसाब लगा के काफी पास्टर्स ने इस पे बात की हुई है कि वो 25 दिसंबर ही बनती है लेकिन अगर हम देखते हैं तो आ, अभी हम एक देखते हैं कि ये 25 दिसंबर जो थी अगर पीछे जाए मसीह के पैदा होने से पहले ही बहुत से ऐसे जैसे कह लें कि जो देवी देवता थे वो 25 दिसंबर को पैदा हुए थे उधम यूस मसीह के पैदा होने से पहले ही और कह लें कि काफी नाम है वह नाम तो हम नहीं पढ़ेंगे मुश्किल भी है और हमें उनका पता भी नहीं है लेकिन वो सारे कह लें के जाके जुड़ते हैं या मिलते हैं इसी कह शैतान के साथ उसकी जो ये ताकते हैं उससे मिलते हैं तो इसलिए हमें ये जो है खुदा यसु मसीह की जो 25 दिसंबर हम कहते हैं कि डेट है फिक्स उसका नहीं पता लेकिन कुछ पास्टर जो हैं या कुछ वो लाते हैं इससे ये सारे नाम हैं जो खुदा यसु मसीह के पैदा होने से पहले ही कह लें कि उनकी जो बर्थडे थी या वो पैदा हुए थे पच्चीस को है ना तो ये सारे वो उनके खुदा है, या उनके जो देवी है उनकी बर्थडे है और हमने सीखा उस दिन के जो तमूज था यानी नमरूद का बेटा उसकी भी पताश जो थी वो पच्चीस दिसंबर थी तो इसलिए ये हमें यानी बाइबल हमें नहीं बताती लेकिन अगर कलीसिया जिन्होंने कहले इस हिसाब लगाया है या किया है उन्होंने 25 दिसंबर इसको फिक्स किया है लेकिन हम इसको अगर 25 दिसंबर में भी मना मना लेते हैं हर्ज कोई नहीं है क्योंकि जैसे मैं उस दिन बात कर रही थी कि हमारे लिए तो खुदम जसमसी रोज ही पैदा होते हैं यानी हम रोज ही इसकी खुशी मनाते हैं और जीठने की भी खुशी हम रोज ही मनाते हैं आपको नजर आ रहा है स्क्रीन नजर आ रही है बापा सर अभी नहीं नहीं आ रही नहीं आ रही आ गई फिर चली गई शो हो रही है ओके ओके आप मुझे बताना अभी नजर आ रही है या नहीं हाँ जी आ गई है गॉड्स बोर्न ऑन दिसंबर ट्वेंटी फिफ्थ बेल वाली रेड पिक्चर हाँ हाँ ठीक है मुझे थोड़ा सा बताना क्योंकि आज मैं थोड़े उस क्या लाइक के थोड़े फर्क तरीके से कर रही हूँ स्क्रीन शेयर क्योंकि वो तस्वीरें मैं इसमें अगर सेव करती हूँ तो वो सारी होती नहीं है <laughs> तो इसलिए मैं आज जहाँ मैंने अपनी गैलरी में की हुई है वहीं से नस्को तो अभी आ रही है बाबा हाँ जी आ रही है। चलो ठीक है ओके ठीक है जी तो इसलिए हमें मनाने में हम रोज ही मनाते हैं इसलिए उस इस दिन भी अगर 25 दिसंबर में भी मना लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हम तो रोज ही खुदा यानी जब भी कह लें हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के खुदा का शुक्र करते हैं कि तू खुदाउन हमारे लिए मसीह तूने जान दी तो हमारे लिए पैदा हुआ हमारे लिए मरा है ना तो इसलिए हमारे लिए ये ज्यादा इतना मायने नहीं रखता कि खुदा मसीह पच्चीस दिसंबर को पैदा हुए थे या किसी और दिन पैदा हुए थे है ना तो ये उस दिन हमने थोड़ा सा सीखा था कि ये असल में कह लें तमूस था आ, ये उसकी बर्थडे पच्चीस को होती है और ये कैसे आ गई यानी ये जो कलीसिया थी यानी शुरू की जो हमारी पहली सदी की जो या पहली कलिसिया थी आ, तब ये नहीं थी ये कोई पंद्रहवी सदी में आके कह लें कि ये कह लें क्रिसमस और ये इस तरह मनाना जो था वो ये त्यौहार जो है ये ये रस्म जो थी जो कि पहले ही मनाई जाती थी और उसको जो मसीही थे उन्होंने भी मनाना शुरू किया हमारी कलीसिया जो है आलमगीर कलीसिया उसने इसको कह लें मसीहियत में ले आए कैसे ले आए उस पर हम इतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आना ही आना था ये जो मकारी से कह लें शैतान ने ये काम करना ही था किस कलिस को उसने यूज किया हम इसमें बात नहीं करेंगे लेकिन ये क्योंकि शतान जो है वो शुरू से ही जैसे कह लें जो इसराइली थे अः उनमें भी ये त्यौहार जो थे हमने जैसे उस दिन पढ़ा तो उनमें भी ये आ गए थे और ये भी क्या कहते हैं आ, वो भी ये मनाया करते थे या आ, हमने उस दिन पढ़ा के वो हैकल में खुदा ने उसको दिखायाल को है ना तो इसलिए हम भी रूहानी तौर पे इसराइली हैं तो हमारे अंदर भी ये आना कैलम के जरूरी ही था और जो कुछ इसराइली करते थे अः रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे वो हमारे अंदर भी मसीहियों के अंदर भी आना ही था इसलिए हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते कि किस कलिसिया ने ये काम शुरू किया तो ये आना ही था ठीक है तो ये हमने पढ़ा कि पेदाइश दस में नमरूद के बारे में जहां से हमें पता चला कि जो नमरूद था खुदावन के खिलाफ था तो असल में उसकी बात सही थी जमीन पे कहने और वहीं से जो उसकी बीवी थी अस्तार मलका और ये मलका है जो उसकी बीवी थी नमरूद की और उसका बेटा जो था तमूस पैदा हुआ और उसके बारे में भी हमने थोड़ा सीखा कि वो उसका बेटा भी था और उसका शोहर भी था है ना तो इसलिए जो भी काम होते है, ये हैं ये मिक्स ही है किसी जगह उसको नमरूद कहा गया है किसी जगह उसको तमूस कहा गया है यानी जैसे सन ऑफ कार्ड जो है वो किसी जगह तमूस के बारे में ही कहा गया है क्योंकि वो दोनों एक ही थे और क्योंकि ये अस्तरा ये एस्टर कह लें आसिस इसके बड़े ही नाम हैं वो नाम भी अभी हम देखते हैं तो हर कल्चर में कह लें या हर उसमें ये पाई जाती है या इसका जिक्र जो है या ये काम जो है वो कर रही है और इसको मसीहियत में आके जो थे उन्होंने खुद मुकदसा मरियम के साथ इसको जोड़ दिया और जो बच्चा था क्योंकि ये इसको अपना मसीहा कहते हैं जो शैतानी लोग हैं तो मूस जो था यानी अभी भी इसकी स्पिरिट है तो इसको क्योंकि ये मसीहा उसको मानते हैं उसको तो मसीह के साथ इन्होंने जोड़ दिया नमरूद जो था तो उसको खुदा के साथ जोड़ दिया तो तसलीस जो थी इन्होंने इस तरह पूरी जो थी वो कर दी के ये जो आ, क्या कहते हैं ये सारी ही तीनों जैसे कह लें कि ये हमारे मसीहियत में आ गए ये हमने देखा था इसमें मलका और नमरूद और जो तमूज था ये तीनों ही यानी जैसे तसलीस कह ले या जैसे हम कहते हैं खुदा बाप बेटा और को दस इसीलिए आपने शायद क्या कहते हैं जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जो पाकरू है वो आ, औरत है और वो मुकदसा मरियम है क्योंकि यहाँ से ही उनको ये कह लें कि एक आइडिया जो है वो मिला है क्योंकि ये जो इनकी माँ इसकी बीवी थी या माँ थी वो सारा मलका जो थी वो औरत थी है ना आ, इसलिए बहुत सारे हमारे मसीही जो हैं वो कहते हैं कि ये जो खुदा खुदाउन पाखरू है वो असल में क्या है वो अः एक औरत है तो ये तीनों की एक किस्म क्या कह लें तस्लीस जो है वो पूरी होती है तो फिर हम देखते हैं कि हमने यानी तमूस के बारे में उसमें पढ़ा था हवाला हिस्किल आठ और उसकी चौदह आयत में हमने पढ़ा था कि ये आ, इसके लिए नोहा कर रही हैं या इसके लिए रो रही हैं औरतें कहाँ हैकल में और वहीं पे कुछ लोग जो है एक ग्रोह जो है वो आफताब की पूजा जो है वो कर रहा है तो आफ्ताब जो है यानी सूरज जो है वो नमरूद को कहा गया जो है वो उसको भी सन ऑफ गार्ड इन्होंने ये इससे मिलाते हैं तो इसीलिए ये सब कुछ क्या करते हैं खुदा मसीह के साथ आके जोड़ देते हैं और ना क्योंकि हम अपने खुदा युस मसीह को हम कहते हैं कि ये मसीहा है और ये शुरू से हुआ कह लें जैसे बागे अदन में कह लें बहकाया और एक बाग की सूरत में हम देखते हैं कि वहाँ बाग था बाग अदन है ना तो ये जो तारा मलका है या दरख्त की बात हुई है तो ये भी नमरूद जो था ये मर गया था और ये स्टोरी बाइबल में कुछ कुछ मैं कहूंगी हवाले जो है मिलते हैं जिक्र हमें इसका मिलता है बाकी का जो है वो बाइबल हमें पूरे तौर पे बयान नहीं करती लेकिन कह लें कि बहुत सी किताबें या इंटरनेट से इसके बारे में अगली जो स्टोरी है क्या हुआ वो थोड़ा थोड़ा हमें मिलता है नमरूद जो था उसके बारे में कहा जाता है कि ये मर गया था और जो इसकी बीवी है इसकी बीवी जो थी वो रोती रही जो क्या कहते हैं एस्टर थी ईस्टर तो अस्तारा मलका और ये चालीस दिन इसने रोजा रखा और रोई और जो ये दोबारा जो था नमरूद जो था ये कहती है कि ये जिंदा हो गया और ये दरख्त की सूरत में कह लें कि वहां पे इसके पास आया और कहते हैं कि ये यानी इसको सूर ने Uh, कुछ जगह सूर लिखा हुआ है कुछ लोग uh, कहते हैं कि रीच ने इसको मार दिया था और ये जहन्नम में चला गया था लेकिन मौसम में बहार में ये दोबारा से uh, जिंदा हो गया और uh, ये दरख्त की सूरत में इसीलिए uh, बाग का जिक्र मिलता है और ये जो दरख्त है ये अपने आप को दरख्त कहती है तमूज भी दरख्त है नमरूद भी कह लें उसको भी दरख्त से uh, इसने कहा और इसने एक बाग लगाया था बाग बनाया था वहां पे ये उसके साथ यानी वो इसके पास आता था और तमूज जो था जो इसका बेटा था जो के इसने कहती है कि ये दोबारा जिंदा हो गया जिस तरह हम कहते हैं कि खदम गेसु مسی जो है कि वो मुर्दों में से जी उठा तो इसने भी ये बताया कि जो नम्रूद है वो दोबारा से जिंदा हो गया इस लिए भी खुदा यसु मसीह के साथ जो कलीसिया थी पंद्रहवीं सदी में आके उसने सारा कुछ इसके साथ जोड़ दिया और इसको इसमें मसीहियत में ले आया क्योंकि ये भी यही कहती थी कि ये सारी बातें कह ले मसीहत से पहले हुई <laughs> ये लेकिन मसीहत इसको अपने जैसे कह लें इसमें ले आई तो ये आ, चालीस दिन इसने रोजा रखा और रोई और जो भी कहते हैं गिर आजारी की तो वो जो था वो दोबारा से दरख्त की सूरत में कह लें कि वो इसीलिए इसको कहते हैं कि एवरग्रीन हर वक्त या हर सीजन में हरा रहता है ये दरख्त है ना कि वो इस सूरत में उसने नया जन्म जो था मौसम बहार में उसने ले लिया जो नमरूद था और वो जिंदा हो गया और इसने रोजे रखे थे ये चालीस रोजे इसीलिए जो ईस्टर है जब हम चालीस रोजे रखते हैं हमें बाइबल में से ये कहीं नहीं मिलता अभी हवाले हम थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन पहले वो थोड़ी एक फिर थोड़ी सी वो एक तसलसल तो नहीं रहता इसलिए मैं पहले थोड़ी स्टोरी जो है वो आपको बता दूं इसीलिए इसने चालीस रोजे रखे और वो दोबारा से जिंदा हो गया और ये दुख में से तकलीफ में से कहले गुजरी और वो हमने हिस्केल की किताब में पढ़ा था कि औरतें क्या कर रही थी यानी इसराइली औरतें वो रो रही थी और हैकल में बैठ के मंदर में बैठ के यानी ये सब कुछ कर रही थी और कुछ लोग जो थे अम्म वो वहां पे आ, सन की या आफ्ताब की या सूरज की पूजा कर रहे थे तो पीछे स्टोरी यही शुरू होती है कि इसने आ, आ, दुआ क्या करनी थी यानी इसने रोई खुदा खुदाउन के सामने तो नहीं लेकिन इसने इसकी पूजा की और रोई और ये दोबारा से कह लें जिंदा हो गया क्योंकि ये शैतानी ही था आप कह लें इसका जो हम अः दस चैप्टर में पेदायश की किताब दस चैप्टर में जब हमने पढ़ा नमरूज जो था ये आगे हम अगर चौदह चैप्टर में जाएं ये पेदाइश की तो हमें पता चलता है कि ये क्योंकि शिकारी भी था सुरमा था खुदा उनके खिलाफ था और जमीन पर उस वक्त इसकी बादशाही थी ये चैप्टर में लिखा हुआ है है ना और लिखा है कि ये बहुत ही अः कह लें सितम करता था और ये बाइबल में थोड़ा इसका जिक्र है जो इसका ये असल में जो नमरूद था किसका बेटा था हाम का जो था नू का बेटा हाम जो छोटा वाला था जिसको लानत हुई थी जो हंसा था अपने बाप पे अगर आपको थोड़ी सी स्टोरी नहीं पता तो वहां से कह लें हाम जो था लानती हो गया था और उससे बेटा पैदा हुआ था कुश कोश से ये नमरूद पैदा हुआ था यानी ये जिससे कह लें सेत जो हाँ, आ, नू का बेटा था आ, बड़ा वाला याफत और सेत जो था उसने इसको आके नमरूद को फिर उसने क्योंकि ये बड़ा आ, मैं कह लूं कि खतरनाक और मैं हम सारे वाले वो नहीं पढ़ेंगे ये एक खतरनाक और और लिखा हुआ है कि खुदा के खिलाफ था और जहर खुदा के खिलाफ था तो इंसानों के भी खिलाफ था तो ये इंसानों पे कह लें बहुत जुलमो सितम करता था बहुत ही जैसे कह लें उनको तंग करता था तो उस वक्त सेत ने जो कि नू का बेटा था उसने वहां पे लिखा हुआ कि दुनिया के उस वक्त जितनी भी दुनिया थी दुनिया के बादशाह थे उन सब को इकट्ठा किया और इसको मारने के लिए या इसके पर हमला करने के लिए इस हमने पीछे पढ़ा कि ये बाबल में और यानी या अब कह लें जो उसका नाम है इराक ईरान और तुर्की ये सारे जो थे ये दस चैप्टर में इसके नाम जो है वो लिखे हुए हैं ना जिन मुल्कों में कहें या जिस जगह पे ये हुकूमत करता था या रहता था तो सेत ने वहां पे जाके आ, सब बादशाह क्योंकि ये बहुत इसकी बड़ी फौजें थी और बड़ा खतरनाक था तो सेत ने सारी उस वक्त जो बादशाह थे उनको इकट्ठा किया और जाके आ, इसको मरवाया था इसको मारा था लेकिन उसके बाद जो ये जो क्या कहते हैं तमूज तो था अस्तारा मलका जो थी उसने शैतानी जो चक्कर था क्योंकि कहते हैं कि इनके पास वो सारी शैतानी ताकतें थी और जो सांप था वो खुद ही जैसे कह लें हम कहते हैं कि खुदम पाखरू ने के जरिए क्या कह लें कि उसके फजल से अः मुकदसा मरियम हमला हुई तो ये सांप के जरिए हमला हुई थी या सांप इसके पास आया था जैसे हमने देखा कि ये अपनी जो पिक्चर हमने देखी कि शुरू से ही जो सांप था वो बागीदन में आया था उसने हवा को बहकाया है ना तो इसके पास भी सांप आया था और कहते हैं कि ये सांप के जरिए जो तमूज था वो पैदा हुआ था तो इसलिए ये है ही जैसे आगे चल के हम जो मकाशवा की किताब पढ़ रहे है ना उसमें हम देखते हैं कि जो आ, है जो मुखालफ मसीह आएगा उसके बारे में वहां पे लिखा है कि अस्तहा ने पुराने असतहा ने उसी सांप ने अपनी सारी कुदरत जो थी उसको दे दी थी मुखालफ मसीह को इसी तरह मैं कहूंगी कि तब भी यही हुआ था कि सांप ने अपनी जो कह जो शतानी जो भी उसकी कुदरत थी या ताकत थी ये सारा मलका और जो तमोज और नमरूद था उनके पास थी इसलिए इन्होंने दुनिया पे बड़ा ही उस वक्त शतानी जो थे वो बहुत ज्यादा किए थे और जो नमरूद था कहते हैं कि तमोज जब कह लें पैदा हो गया और ये तमूज के साथ इसका शुरू हो गया आ, लेकिन कहते हैं कि ये हर साल जो नमरूद था जो इसका शोहर था वो आया करता था और ये जो इसने बाग बनाया हमने उर्दू में लिखा हुआ है बसीरत तो वो उसका मीनिंग अगर निकालें तो वो बगीचा है या बाग है तो ये बाग इसने बनाया था अस्तारा मलका ने और दरख्त वहाँ पे ये जो नमरूद था वो आता था हर साल जैसे एनिवर्सरी या हर साल उसकी, आ, आ, उसकी आ, पास आ, जो इसकी बीवी थी और ये वहां पे तोहफे तहफ जो था वो रख के जाता था तो इसलिए ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ जो सेंटा क्लॉज का होता है तो ये हर साल कह लें के आता था और दरख्त के नीचे जो के आ, कह लें उसको इसकी नए सिरे से पैदा होने कह लें तमूज का क्योंकि वो नमरूद ही था और वो तमूज की सूरत में कह लें कि पैदा हुआ और वो अपनी माँ के साथ या अपनी कह लें बीवी के साथ था तो ये हर साल नमरूद जो था आता था मौसम बहार में और गिफ्ट जो था वो रख के जाता था दरख्त के नीचे तो इसलिए ये जो सेंटा क्लॉस का सिलसिला है ये भी वहीं से शुरू हुआ है तो इसलिए आगे आगे जैसे कह चलता गया है वो नाम और बदलते गए और किस तरह ये कलिसिया में आ गया तो इसलिए ये भी वहीं से आता है तो इसलिए हमें इसके आ, किसी भी तरह या ये जो छोटे छोटे दरख्त के या आमद की रीत ये भी हम देखते हैं कि ये इसके सारे महीने हैं जो जिन में ये क्या करते हैं इन्होंने यानी इन्होने जो है मनाते हैं या जो भी इनके त्यौहार हैं ये देखें तो ये सारे इनके हैं इन्होंने ये आमद की रीत का जो लगाते हैं घरों में कि ये शुरू हो गया तो ये इन्हीं के अम्म वफा नजर आ रही है पीछे जी ओके okay, okay. तो जो भी और देखे इन्होंने बल्कि जो खुद मसीह के शगिर्द थे ये मैथ्यू यानी मत्ती और योहना इसके नामों का भी कह लें एक दिन रखा और उसको भी मनाते हैं तो हालांकि अगर ये मनाना था तो बाकी के शगिदों का भी मनाना चाहिए था ना लेकिन ये इन्होंने जैसे कह लें कि एक मकारी से कलीसिया में लेके आए तो इसलिए हॉलोवीन को भी आपने सुना ही होगा कि चर्चिस में मनाया जाता है चर्च के अंदर बल्कि हम भी शुरू में जब यहाँ कैनेडा में आए तो एक चर्च है वहां पे हम गए वहां पे उन्होंने सब कुछ वैसे ही सजाया हुआ था और पिक्चर जो थी बनाई थी सबकी तो ये सब कुछ चर्चेज में जो है वो आया और क्रिसमस को इन्होंने उसके साथ बदल दिया तो ये सारे किसके इसके महीने हैं और इसके त्योहार हैं और ये हलोम अक्टूबर में मनाते हैं जून जुलाई में भी ये कहते हैं कि इसका दिन है ये तमूज जो है तो इसलिए हमें ये चाइनीज जो है इनकी जनवरी में मेरा ख्याल जनवरी में शायद फरवरी में ये अपना कोई दिन जो मनाता है तो ये सारे जो दिन है ये इसका ये मतलब है तो ये सारे ये मनाते हैं इसलिए हमें वो भी नहीं मनाना और यानी ये जो आमद रीत कहले हैं तो ये यहाँ से चली है है ना और ये जो अगर छोटे छोटे भी कुछ कहेंगे कि मैं कहूँ के ये तो पत्ते हैं वो लगा लें या लाइटें भी लगा लें तो उसके मीनिंग जो है वो वही है उसके जो मतलब है दरख्त कहते हैं तो यही वो मलका है यही इसी के अंदर इसीलिए कि अपने आप को कहती है मेरे अंदर जैसे कह लें मर्द भी है और औरत भी है तो ये असल में ये दरख्त जो है ये ये ही सब कुछ है ये बगीचे बनाते हैं और उस दिन जैसे मैंने और हवाला हमने एक और भी पढ़ा था जिसमें ये है मलका आसमानों की मलका इसको कहते हैं और इसी के अंदर कह लें कि तमूज भी है नमरूद भी है और ये दरख्त है और ये बाग बनाते हैं जिसना कह लें कि हम कह लें के बाग अदन जैसे था तो इसीलिए अः कह लेंगे इसका खुदावन ने वहाँ अभी हम वाले पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा है उर्दू में बस सीरत आवाज नहीं आ रही आपकी किसी को आवाज आ रही है मुझे नहीं, नहीं आ रही किसी आ रही। अभी। अभी। आ रही। नहीं आ रही आवाज कब से अभी आई नहीं आ रही ख्याल उनका नेट चला गया होगा चम चलिया

की किताब है, उसका बाप, उसकी बीस, और है, है, उसका उसकी और उसमें वो वर्स है, जो वो बोल रही है। जो कृष्णा उर्दू पंजाबी सोला बाप उसकी बीस इक्कीस बाईस आय पंजाबी कृष्णा ने कहते शिक्षमा को पंजाबी में यू मी इंग्लिश में कहते हैं आप देख लो गिनती हाँ। तो चैप्टर सोलह चैप्टर बीस इक्कीस बाईस हाँ जी चैप्टर सोलह उसकी बीस बाईस ठीक है

ਯਹਵਾ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲਜ ਜਾਂ ਲੈਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੜਾਓ ਕਿਉਂ ਯਹਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਣਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਯਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜੀਹਾ ਕਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾ ਉਸ ਦੀ ਮੀਨੂ जे ने बुरा काम किया उस मनुख या तीवी अपने फाटक के कोले ले जाके पथराव करो तो ताकि वह मर जाए आगे बाजी हाँ जी हाँ जी थैंक यू जी सॉरी पता नहीं क्या हुआ मैं बोलती जा रही हाँ अभी स्क्रीन शेयर हो रही है हाँ जी आ रही है स्क्रीन काफी सारी पिक्चर्स आ रही हैं ओके जी पता नहीं ये कुछ हो जाता है गड़बड़ ओके okay, चले ठीक है कोई बात <coughs> तो पता नहीं अब कहां पे थे हम <laughs> के वो ये बाग जो थे असल में कहने सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था कि बाग अदन में जैसे इसने आदम और हवा को बहकाया था और ये सब कुछ जैसे कहने के नकल करता है जो शैतान है और इसने वैसे ही कह लें इसको इस्तेमाल किया ये जो कह लें मलका थी या नमरूद था कि बाग लगाया और वो दरख्त और, और ये पूजा करें दरख्त की और असल में ये क्या है ये लें कि अपना जो मकसद था पूरा कर रहा था कि इसके जरिए लोग जो है यानी शैतान जो है जैसे हमने उसी अभी पिक्चर में देखा के वो जो दरख्त लगाते हैं जो हम जिसको हम जो के साथ जोड़ते हैं तो दरख्त के ऊपर सांप था तो सांप ने वहीं से एक जो दुनियावी जैसे एकशाही थी या उसने अब जमीन पे कह लें कि बादशाही करनी थी वहीं से सिलसिला जैसे कह लें शुरू हो गया था और इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे अः नूह के तूफान तक कह लें तब तक लोग जो थे वो खुदा को किसी ना किसी तरीके से मानते थे आ, लेकिन उसके बाद यानी उससे पहले नहीं थी लेकिन जैसे ही न के तूफान के बाद ये दसवें चैप्टर में हमें मिलता है कि बुत परस्ती जो थी वो शुरू हो गई थी और इसने अपना जो काम था वो करना शुरू कर दिया यानी शैतान ने उससे पहले फर्क तरीके से किया था यानी जब हमने देखा के नू के तूफान तो में के लड़ाई झगड़ा और वो बहुत था उन दिनों जब नू का तूफान तो आया और वो पैदा हुई और वो हम अगर थोड़ी उसकी नहीं अभी जाते हैं कि वो किन्ों ने किया था फरिश्तों ने या है ना लेकिन अभी हम थोड़ा से इसी की बात करते हैं कि तब से एक खुदा के लोगों में एक जो काले बिगाड़ पैदा हुई थी या वो गुमराह करने के लिए तब से शुरू हुआ जब से ये नमरूद और गेस्तारा मलका जो थी ये आए और इन्होंने अपना काम जो था वो शुरू किया इन्होंने पहले इजरायलियों को बिगाड़ा और अब जो हम मसीही हैं इनमें गुमराही जो है वो लेके आ रहे हैं और खुदावन से आ, लोगों को दूर कर रहे हैं और खुदा को इसलिए जब हम ये सब कुछ करते हैं बुधप्रस्ती करते हैं इसलिए सख्त नफरत है क्योंकि यही है वो पुराना यही है वो जिसने हवा को बहकाया था और हम क्रंथियों के खात में एक जगह जिसमें हमने वो आयत पड़ी थी कि वो आ, जिस तरह हवा को उसने मकारी से पाक दामनी से हटा दिया था उसी तरह ये अब भी कलीसिया में क्या करता है के आता है और जो पाक दामनी है यानी जो होलिनस है जो हमारे अंदर होनी चाहिए तो ये हमारे अंदर से या हमारे घरों से कह लें या हमारे अंदर से वो हटा देता है हमें उस तरह का खुदा उनके साथ मोहब्बत नहीं रहती क्योंकि हम दुनिया के कामों में जैसे उस दिन हमने पढ़ा था कि ये दो दिले हैं जो दुनिया के काम भी करते हैं ऐसे रसुमत और त्योहारों में फंसे हुए हैं वो बे है <coughs> वो किसी भी वक्त शैतान के उसमें जाल में फंस के खुदा उनसे बिल्कुल जैसे कह लें, वो बेवकूफ दूर चली जाती हैं इसी तरह हम भी हो सकते हैं इसलिए हमें दो दिले नहीं होना चाहिए या तो हम खुदा उनके साथ चलें सीधे सीधे सही तरीके से या फिर ऐसी रसूमात में जो शैतानी है उसमें फंस के तो हमारे अंदर जैसे कह लें वैसी मोहब्बत नहीं रहती खुदाउन की और हमारे पर लें कपड़ों के दाग धब्बे लग जाते हैं क्योंकि जब हम इसके काम करते हैं जो कि शैतानी है तो हमारे कपड़ों पे दाग और धब्बे लग जाते हैं है ना तो अब हम थोड़े से हवाले पढ़ते हैं कि पहले तो हमने ये नहीं ये सीखा कि ये नमरूद वहां से शुरू हुआ और तमोज जो था हमने स्किल आठ और उसकी चौदह आयत में इसके बारे में पढ़ा और आज हम थोड़ा सा इसके बारे में ये जो असल में कह लेंगे <laughs> इसके बारे में एक हवाला पढ़ते हैं ये जो मलका है तो कौन है हमारे साथ रीडिंग में आजी मैं एक रूसा सिस्टर काप ये तो यानी ये बाग बनाती थी बगीचे के अंदर हमने सीखा कि ये पार्क बनाती है और उसमें ये सारी हराम हरामकारियां ये सनाकारियां होती हैं जिस तरह आपको शब्द शायद याद द्वारा को मैं जब यशाया जी 17 चैप्टर उसकी 8 से 9 आयत ठीक है उस दिन आदमी अपने करतारवाल गोह ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖਵਲ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਗবেদੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕਾਰੀ

हा हा ठीप हमारे ना लिखा हुआ है बसीरत पढ़ना ये साया सत्रह बाप उसकी आठ आए आठ से नौ आए थे नौ, दस और वो मजबू यानी अपने हाथ के काम पर नजर ना करेगा और अपनी दस्तकारी यानी ये सीरतों और बुतों की परवान सीरतों हाँ जी ये जो ये सीरते हैं इसका यानी मतलब जो है वो है बाग वो है बगीचे जो बनाते थे तो ये दरख्त वहां पे लगाते थे आ, और बुतों की वहां पे पूजा करते एक तो दरख्त की पूजा करते थे और एक अगे उस दिन भी हमने हमारा पढ़ा था एक और वाला कि वहां पे आ, ये औरतें जो थी अपने यानी नंगी होके वहां पे इसकी पूजा करती थी या कह लें इसके वहां पे सेक्स जो थे वो करते थे तो वहां पे जहाँ पे ये दरख्त लगे होते थे जहाँ पे आ, बगीचा एक बना होता था और ऊंचे मकामों पे ये ये इसके बुतों की जो थी पूजा करती थी और वहां पे ये सारे मकाम जो थे यानी जैसे जो बच्चों को बच्चों की कुर्बानियां जो थी वो चढ़ाए जाती चढ़ाया करते थे और ये सारे काम वहां पे होते थे ये अगर पीछे भी थोड़ा सा पढ़े यानी इसी की तो वहाँ पे लिखा है कि दरख्तों के नीचे या दरख्तों की शाखें और ये अपने मतलब इसराइली जो थे वो अपने खालक को नहीं अपने खुदा को नहीं इसकी पूजा किया करते थे एक और हवाला इसी का हम पढ़ते हैं कि जो सलेमान बादशाह था मेरे ख्याल कौन सी थे पहला सलातीन निकालना पहला सलातीन बाप उसकी पांच आय उसमें भी इसका जो ये जो है बाग उसका जिक्र जो है वो हमें मिलता है तो इसलिए ये दरख्त जो है जैसे उस दिन यर्मिया हमने सात बाप उसकी आठ आयत में पढ़ा कि हम दरख्त काट के लेके आते हैं और उसके ऊपर सोना चांदी और ये तो ये क्रिसमस ट्री जो है ये वहां से कहने शुरू हुआ जी okay. क्योंकि सुलेमान सदियानियों की देवी अस्तरात और अमोनियों की नफरती मलकोल की पैरवी करने लगा और सुलेमान हाँ, ने ये मलका है जो आपने पढ़ा ना ये है नमरूद की बीवी और तमूस की माँ अस्तरात जी पढ़ो बाबा और सुलेमान ने खुदावंत के आगे बदी की और उसने खुदावंत की पूरी पैरवी ना की जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी फिर सुलेमान ने के नफरती पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है, बनी अमून के लिए नफरती उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हजूर बकूर जलाती और कुर्बानी गुजरानती थी आगे भी पढ़ना नहीं बस ठीक है लेकिन आपको पता चला कि ये जो बगीचे थे बनाए जाते थे या बाग जो थे वो लगाए जाते थे और उसपे वहाँ इसकी पूजा होती थी तो वहां पे सारे नफरती काम जो है जो खुदाउन को पसंद नहीं है वो होते थे और ये हमने वैसे उस दिन पढ़ा था लेकिन आप फिर इसको पढ़ना यर्मिया सातवा अठारह शायद और यर्मिया फोर्टी फोर चैप्टर और उसकी सत्रह से

ते में, है ते मेरा। okay. बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं और औरतें आटा गूनती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और मबूदों के लिए तपावन तपाकर मुझे गजब नाक करें और गैर मबूदों के लिए तपावन तपाकर मुझे गजब नाक करें हाँ जी तो ये कौन है ये आसमान की मलका है ये ही देवी है हम तो उसी बात पर अमल करेंगे जो हम खुद कहते हैं कि हम आसमान की मलका के लिए बखू जलाएंगे और तपावन तपाएंगे जिस तरह हम और हमारे बाप दादा हमारे बादशाह और हमारे सरदार यहूदा के शहरों और यरूशलेम के बाजारों में किया करते थे क्योंकि उस वक्त हम खूब खाते पीते और खुशहाल और मुसीबतों से महफूज थे पर जब हमने आसमान की मलका के लिए बखूर जलाना और तपावन तपाना छोड़ दिया तब हम तब से हम हर चीज के मोहताज हैं और तलवार और काल से फना हो रहे हैं और जब हम आसमान की मलक के लिए बखूर जलाती और तपावन तपाती थी तो क्या हमने अपने शोरों के बगैर उसकी इबादत के लिए कुलचे पकाए और तब पावन तपाए थे आगे भी तब कि ये सारे खाने किसके लिए बनाती थी ये हम इसलिए ये सीख रहे हैं कि ये हम जो कहते हैं कि क्रिसमस पे हमने उस दिन भी पार्ट की कि पार्टियां करते हैं खाने बनाते हैं फर्क फर्क से अः तो ये ये औरतें ये उसके लिए करती थी आसमान की मलका के लिए इसलिए हमें ये नहीं, मैं रही कि खाने नहीं बनाने बनाने हैं लेकिन जैसे आ, वो हम खास उसपे क्या कहते हैं तमाम करते हैं और बड़े वो खर्चे करते हैं वो हमें करने की जरूरत नहीं है हम अपने जैसे आम खाने बनाते हैं अपने खुदा के लिए रोज जैसे आ, अपने लिए यानी और खुदा उनकी इबादत करते हैं क्योंकि हम तो रोज ही खुदा उनकी इबादत करते हैं हम तो रोज ही या हर वक्त ही हमें खुदा कहा है कि हम करें तो ये औरतें उसके सामने जाया करती थी किसके पास है आसमान की यानी ये, ये ही जो देवी है और ये दरख्त जो है यानी या उस बागीचे में या उस ये जाया करती थी और अपने और देखें किसके लिए कि तब हम बड़े खुशहाल थे तब हमारे तो अब भी लोग जाते हैं जैसे कह लें देवी देवताओं के पास के ये जी कामयाबी की देवी है या ये आ, वो शक्ति का देवा देवता है या कुछ कहते हैं ये पैसे का है तो इसलिए फर्क फर्क तरीके से लोग देवी देवताओं के पास अब भी जाते हैं तो उनकी पूजा करते हैं और उनके लिए ये जो कह लें तोहफे तहफा या खाने बना के जैसे शायद मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था कि वो योगा करने के लिए एक मसीही थी यानी अभी तब वो मसीही नहीं थी तो वो ढूंढ रही थी खुदा उनको तो उसकी जो जो उस लड़की को लड़की लेके गई थी तो वो कुछ ना कुछ फ्रूट लेके जाया करती थी देखिए कैसे आ, मकारी से ये जो शैतान है काम कर रहा है कि वो योगा करने के लिए जा रहे हैं लोगों को बहुत सारे मसीहियों को पता ही नहीं है कि योगा जो है मसीहों को नहीं करना है हाँ ना अभी हम वो महल वो भी पिक्चर देखेंगे आ, कि ये सारे जो उसके वो जो भी वो सिखाते हैं आ, तो वो इसके निशान है या इसके इसके निशान हैं या सिंबल जो बोलते हैं, जो बोलते भी इसके लेते हैं योगा करते हुए वो पिक्चर उसमें चली गई चले ठीक है तो वो हमें नहीं करने क्योंकि वो इसके निशान है जिस तरह के आ, क्या कहते हैं तो मूस का उस दिन हमने देखा कि वो क्रॉस या वो तो इसी तरह बिल्कुल ये जो सारा मलका है इसके भी निशान है ये एक्सरसाइज के जो हम आ, लेते हैं इसलिए जो मसीही हैं उनको योगा जो है वो नहीं करनी चाहिए तो वो वहां से आ, उसके लिए फ्रूट लेके जाया करते थे तोहफे तहार चढ़ाने के लिए जैसे ये कुलचे बना के औरतें जो थी तो पावन तपाने के लिए रोटियां बना के ये जो भी बखूर जलाने के लिए वो लेके जाया करती थी तो इसलिए अब भी ऐसे ऐसे मकारी से शैतान ने क्या किया है जिन लोगों को अपने जाल में फंसाया हुआ है और वो जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए लेकिन वहां पे ये चढ़ावे चढ़ा के आते हैं और वही काम वही बुद्ध हो रही है है ना तो इसलिए हमें इन तोبوط परस्ती જોઈએ ચલાકી સે મકારી સે કહે લે કે કે આપણે બાઇબલ મે دیکھا કે ખુદાઓને કહા કે વો મકારી સે હમારે કેલે ઘરો મેં યા ઉસમે આ જાતા હૈ જી પડ આગે પડ ક્યાં કહા પે લખ્યા કોનસા હવાલે જો આપ પડ રહી થી વોહી પડ લેકિન મે તો યે તપાવન કી બાત કર રહી થી ઓર યે જો રોટિયા બના કે લેકે જાતી થી ઉસ પે બાત કર રહે થી જી आप जो सत्रह चैप्टर पढ़ रही थी फोर्टी फौर, फोर -फौर्ट चैप्टर जी जी उसी की सत्रह आयत से दोबारा पढ़ो हाँ नहीं उन्नीस आयत से पढ़ना जिसमें वो उसके लिए कुचले बना के वो लेके जाती थी बखूर जलाती और जब आसमान की मलका के लिए बखूर जलाती और तपाती थी तो क्या हमने अपने शोहरों के बगैर उसकी इबादत के लिए कुलछे पकाए और तपाए थे तप तब यर्मिया ने उन सब मर्दों और औरतों यानी उन सब लोगों से जिन्होंने उसे जवाब दिया था कहा क्या वो बखूर जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बादशाहों और उमरा ने रैय के साथ यहूदा के शहरों और यरूशलेम के बाजारों में जलाया खुदावंद को याद नहीं क्या वो उसके ख्याल में नहीं आया बस तुम्हारे बदअमाल और नफरती कामों के सबब से खुदावन बर्दाश्त ना कर सका इसलिए तुम्हारा मुल्क वैरान हुआ और हैरत और लानत का बाइस बना जिसमें कोई बसने वाला ना रहा जैसा कि आज के दिन है क्योंकि तुमने बखूर जलाया और खुदावंत के गुनागार ठहरे और उसकी शरीयत उसके आइन ना उसकी शहादतों पर चले इसलिए ये मुसीबत जैसी कि अब है तुम पर आ पड़ी और यमिया ने सब लोगों ओके बस ठीक है तो बाजी मैं पढ़ा ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪੜਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂ 21 ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੂਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਣੇ ਬਲ ਹਾਂਜੀ ਪੀਣ मतलब ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪੇਡਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ। ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਤੂਪ ਤਕਾਉਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪੇਡਾਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪੇਡਾਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਸਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। थोड़ा सा आपका फर्क है हाँ लेकिन वही है कि ये सारा कुछ जो आ ये देवी देवता या जो भी ये खुदा है यूनानी मिसरी या जो भी आपको पता है इंडिया में भी बहुत से हिंदू इन देवी देवताओं को मानते हैं या तो जो भी आप उनके सामने लेके जाते हैं वो खुदा के खिलाफ आप काम कर रहे हैं वो खुदा के लिए नफरती काम है और अभी हमने ये जो गर्मिया में पढ़ा खुदा क्या करेगा ये इनकी सजा जो है वो हमें मिलेगी खुदाम है, है वर्ष पढ़ी है ना कि नुदामंद उनकी सजा जो है वो जरूर देगा आप समझते हैं हमने या हमारे बाप दादा ने इसीलिए जो नस्ली गुनाह है यानी हमारे बाप दादा हम कहले हो सकता है मुसलमानों में से या हिंदुओं में से या जो भी ये बुद्धा थे उनके उसमें से निकले हुए हैं तो हमारे ये बाप दादा ये इनकी पूजा करते थे या कुछ तो अब भी इन मंदिरों में या इन ये जो ये खुदा है, इंडिया में देवी देवता इनकी पूजा करते हैं घरों में है या आप जाते हैं और या आप नहीं भी अब जाते तो आपने इनकी पूजा की हुई है उसके लिंक को कैंसिल करें उनसे माफी मांगे खुदावन से ने ये ये जो नफरती काम थे ये जो शतान की तरफ से थे जो मैंने किए हैं, खुदाउन मुझे माफ कर या हमारे दिए जलाए हैं किसी के आगे बखूर जलाया ये अभी जो हमने पढ़ा है या पानी या वो दूध जो क्या कहते हैं वो सांप के ऊपर डालते हैं तो आप ये देखेंगे जो कृष्णा और ये पता नहीं कौन कौन से मुझे इन खुदाओं के जो देवी देवता हैं इनके नाम सबके आते नहीं है ये साईं बाबा ये है ना तो ये क्या है पीछे इनके स्पिरिट क्या है यही ये, ये नमरूद है और ये जो तमूज है और ये स्तारा मलका जो है ये इनकी स्पिरिट काम कर रही है ये आप देखेंगे इस तरह आपने शायद इंडिया में देखे होंगे ऐसे खुदा ये बुद्धा जो है जो जिनकी मुंह जो है ऊपर इंसानों के हैं या मुंह जो हो कई दफा किसी जानवर के परिंदे के होते हैं आ, सांप की कैलें होती हैं या और भी आ, आ, घोड़े के या शेर के या इस तरह के आपने सुना होगा या देखा होगा या जैसे ही इसके बहुत सारे हाथ हैं तो ये सारे देवती देवी देवता जो हैं वो कहाँ से आए हैं ये आ, देखें इनकी शक्लें आपको शायद नजर आ रहा हूं है ना ये सांप उसने पहना हुआ है कहीं हमें बाइबल में मिलता है कि सांप की पूजा करें या लेकिन हमने या हमारे किसी भी कह लें के बड़ों ने माँ बाप ने दादा दादी ने किसी ने ये किया होगा या कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं है ना तो हमें इनसे कह लें निकलना है माफ मांगनी है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं आ, ये खुदा से हमें दूर लेके जाते हैं अगर हमने ये सब कुछ किया हुआ है तो आ, अगर हमने ये किया हुआ है तो हमारे लिंक इस शैतान के साथ जुड़े हुए हैं तब हमारी जिंदगी में ऐसी बहाली ऐसी जो हम क्या कहते हैं कि ये कहां से आ गए मतलब हम हर वक्त परेशान रहते हैं या बीमार रहते हैं या हमारे बहाली नहीं है आजादी नहीं है तो पीछे हम खुदा के साथ भी चल रहे हैं या और ये नफरती काम जो है ये भी कर रहे हैं तो इस वजह से हमारी जिंदगियों में उस तरह की बहाली नहीं आती क्योंकि तो हमने नहीं किए फर्ज करें लेकिन हमारे बाप दादा ने कहीं किए हुए थे तो उसके जो लिंक है हमारे साथ ये जो स्पिरिट है ये जो नमरूद की है ये जो शैतान है कह लें आ, क्योंकि शैतान ने इस के ऊपर कब्जा किया हुआ ये है ये शैतान जो है यानी वही पुराना सांप इस को उसने इस्तेमाल किया उस वक्त और ये सारे निशान जो हैं ये आप हम ऐसे कपड़ों पे या ऐसी चीजों में ये जो लोमी के हैं तो इसकी जड़ क्या है यही नमरूद है यही जो अस्तारा मलका है यहाँ से आ, कहले शुरू हुई और ये क्रिसमस जो था ये इसी की ईद जो थी लें मनाया करते थे और इसमें अभी जैसे ये कहा कि वहां पे पिया करते थे शराबे पीते थे या जो भी वो होता है क्या है फीम या क्या उसको बोलते हैं जो भी ये पिया करते थे और सेक्स किया करते थे ये शायद आपको नजर आ रहा हो ना मर्द मर्दों के साथ या औरत औरतों के साथ या सब कुछ तो ये इसकी ईद जो थी वो मनाया करते थे लेकिन क्या हुआ कि इसका त्यौहार था इसकी आ, ये जो आ, जो अस्तारा मलका है और तमूज और नमरूद लेकिन क्या हुआ कि हमारी पंद्रहवीं सदी में कलीसिया ने जो मसीही थे वो इसको इसराइली तो पहले ही हमने जो एक दफा फिर हम वैसे पढ़ लेते हैं आप निकालना आठ और उसकी चौदह से आज तक चौदह से आगे आज जहां तक वो हमें मिलता कि वो आफ्ताब आप आपकी पूजा कर रहे थे है ना तो इसराइली ये कर रहे थे और अभी ये जब हमने यर्मिया में पढ़ा कि औरतें क्या करती हैं यर्मिया के आगे खड़ी हो जाती कि नहीं हम तो उसी की आ, यानी मलका की जो आसमान की मलका है उसकी पूजा करेंगे हम बखूर जलाएंगे हम तपावन तपाएंगे हम जो कुचले हैं तो वो वो क्या रोटियां हैं यानी नान जो है वो बना के उसके सामने लेके जाएंगे यानी खाने जो है हम बना के लेके जाएंगे क्योंकि तब हम क्या थी खुशहाल थी तब हमारे जिंदगियों में वो उसकी वो चल रही थी है ना तो जी पढ़ना बाबा कौन सी आयत है चौदह आयत से पढ़ू आठ बाब चौदह आयत से आप पढ़े हाँ ओके। तब वो मुझे खुदावंत के घर के शुमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूँ कि वहां औरतें बैठी तमूस पर नोहा कर रही हैं। तब इसने मुझे फरमाया ए आदमजात क्या तूने ये देखा है तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहत देखेगा फिर वो मुझे खुदावंत के घर के अंदरूनी सहन में ले ले गया और क्या देखता हूँ कि खुदावन की हैकल के दरवाजा पर अस्ताना मज़बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं जिनकी पीठ खुदावन की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं और मशरिक का रुख करके आफताब को सजदा कर रहे हैं हाँ जी तो देखे इस्राइली कौम में तो ये पहले ही था जब हम मसीही इसमें आए तो मसीहत में आए के तो हम तौर पे हुए तो हमारे अंदर भी ये जो जो सब है शैतान ने वो काम करना शुरू कर दिया और हमें पता ही नहीं चलता ये देखे हमारे चर्चे इस निशान के बने हुए हैं और हमें पता नहीं है लेकिन ये क्या है ये देखें बगीचा जो था इस तरह आपने कई दफा देखा होगा कि लोगों ने अपने यहाँ पे मैंने बहुत देखा है कि जो फ्रंट यार्ड होता है यानी जो बाग सा बनाया होता है आ, यहां पे घरों में या बैक यार्ड होता है वहां पे इस तरह की जो है पानी उनसे गिर रहा है और ये कौन है ये ही, ये ही अस्तारा है आ, इसको उन्होंने घरों में लगाया हुआ है और ये देखें इस तरह का क्रिसमस है या इस तरह का ये लोग कर रहे हैं तो क्या हमें भी इस तरह करना चाहिए ये क्रिसमस ट्री को उन्होंने आ, किस तरह आप कह लें कि मैं कहूंगी कि मजाक बनाया हुआ है तो ऐसा हम अपने खुदा यूसी के साथ कर सकते हैं है ना तो ये तमूज ये जो रो रही हैं इस पे हम ईस्टर पे बात करेंगे क्योंकि अः ये भी उसी से जुड़ा हुआ है तो इसलिए हम उसपे मेरा ख्याल है ईस्टर पे अगर खुदाम ने चाहा कि ये औरतें रो क्यों रही हैं और उस अम्म नोहा जो है कह लें कर रही हैं और जो लंस जो है ये चालीस रोजे जो रख के मनाया जाता है और जो है को, आ, उसके है उसके ऊपर लगाई जाती तो ये मेरा ख्याल है ईस्टर का है तो ईस्टर पे हम थोड़ा सीखेंगे है ना लेकिन आपको अंदाजा हो गया कि यही है वो पीछे इसके क्रिसमस के पीछे नमरूद अस्तारा मलका और तमोस तो जो है इसलिए हमें जो है ये सब कुछ में से कुछ भी नहीं करना कुछ भी करते हैं तो इसके पीछे असल में वही जो स्पिरिट है या वही जो खुदावन के लिए नफरती काम है वो हम करना शुरू हो जाते हैं तो खुदावन को ये सब पसंद नहीं है आ, और लेकिन हम अपने खुदावन की ईद जो है वो मनाए यानी जैसे के पैदा खुदाम की इबादत करते हैं खाने बनाते हैं अपने बहन भाइयों से या चर्च जाते हैं वो जा, जाएं करें काम यानी अपने सारे लेकिन रूटीन से जैसे हम करते हैं क्योंकि जैसे हमने सीखा कि खुदावन तो हमारे लिए रोजी पैदा होता है रोजी वो मुर्दों में से जी उठा है तो इसलिए हमने इसके पीछे नहीं लगना नमरूद के पीछे तरह मलका के के पीछे कि कि जिस ये ये कहते हैं ये मुर्दों में से जिंदा हो गया था तौर तो पे तमूस जो था तो इसलिए अः कह लें कि ये आ, और गिफ्ट जो हम भी बच्चों को इस तरह करते थे कि दरख्त के पीछे खुद ही गिफ्ट रख दिए और आ, हमने कहा जी वो सेंटा क्लॉज आया ये आज से क्या कोई पता नहीं आठ नौ साल पहले दस साल पहले हम भी इन चक्रों में थे पड़े हुए है ना लेकिन हम अब हम पता चल रहा सेंटा क्लॉज कौन है ये ही नमरूद है और ये गिफ्ट ला के रखता था और यानी अपनी मलका के लिए ये स्तारा मलका के लिए और वहां पे हम देखते हैं कि बच्चों की कुर्बानी होती थी तो इसलिए <laughs> कुछ कुछ चीजें जब क्रिश्चियनिटी में या मसीहत में ये लेके आए तो कुछ चीजें इन्होंने निकाल दी आ, कि ये जो बच्चों की कुर्बानी है या ये जो सेक्स करते हैं दरख्तों के नीचे और आ, ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें निकाल दी लेकिन बाकी जो था वो सारा कुछ मसीहत में यानी ये, ये सेंटा क्लॉस को उन्होंने फर्क तरीके से कि बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आता है इस तरह उसने रहने दिया है ना और और इस खुद उसको यानी खुदम के साथ जोड़ा और ये जो गिफ्ट थे इस सूरत में उन्होंने लगाने शुरू कर दिए जी आ, सोने चांदी से और ये जो ऊपर वो वो लाइट जैसी लगाते हैं वो सांप की शक्ल में लगाते हैं तो इसलिए हमें ये कुछ भी नहीं इसमें से करना ये देखें जो ऊपर वो लाइट जैसी अः कवर चढ़ाते हैं वो सांप की तरह है जैसे दरख्त पे सांप चढ़ा तो कहते हैं वो पिक्चर नहीं मिली, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा क्योंकि ये सांप से पैदा हुआ था इसकी तो कहते हैं कि ये तमूस तो जो था उसकी सांप की तरह शक्ल थी या सांप की तरह वो बना हुआ था और इसलिए ये उसको उसके ऊपर कवर करते हैं और दरख्तों के ऊपर भी आ, वो तस्वीर बड़ी <laughs> गंदी सी थी इसलिए मैंने वो नहीं इसमें लगाई तो दरख्त के ऊपर जो है यानी जैसे आ, वो ये दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि एक ही हैं ये और इसलिए ये तीनों दरख्त बने हुए हैं और लाइक इनको सेक्स के तौर पे दिखाया गया है तो इसलिए लेकिन आ, आपको अंदाजा हो गया कि ये सारा ही जो भी है अगर हम करते हैं तो ऐसी मकर जिससे खुदा को नफरत है ये सारे गंदे काम जो है ये सारे आ, खुदा जो थे ये देवी देवता जो थे अः वो करते थे इसलिए खुदाम जब अः क्या कहते हैं हमें ये करते हुए देखता है तो इसलिए खुदा को नफरत है कि वो अब उन कामों का जिक्र भी कैसे करें कि वो गंदे काम जो थे ये किया करते थे तो इसलिए ये अब हम अगर करते हैं इस इनमें से कोई भी रस्म जो है कह है, करते हैं तो खुदा उस काम से नफरत है और हम कह लें कि हमारे जब ये आ, करते हैं तो हमारे कपड़ों पे दाग लग जाते हैं तो इसलिए दोल्हन के लिए ये बहुत जरूरी है बाकी अगर मसीही कर रहे हैं आ, आप उनको एक दफा बताएं जरूर लेकिन अगर वो करते हैं तो हम नहीं कर सकते लेकिन ये हमें पता चल गया कि ये सारे नफरती काम है यानी हरामकारियां जनाकारियां और दरख्तों के नीचे इस तरह के अः कह लेंगे होते थे अपने वो जो पूजा जो इनकी है इस तरह की होती थी और बच्चों की कुर्बानी जो है वहां पे बने होते थे और वो किया करते थे और सारा कुछ ये कहां ये देखिए छोटा सा कहा बगीचा या बाग या वो बना हुआ है तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पाक बने जिस तरह के उस पालोस रसूल ने क्या कहा कि वो तुम्हें जैसे उसने हवा को पाक दामनी से या मकारी से हटा दिया था इसी तरह वो आज हमें भी उस पाक दामनी से हटा देता है और कुछ लोग आगे वो पे बात करेंगे कि ये रोजे रोजे रखते हैं लेकिन हमें आ, उस तरह से रोजे नहीं रखने चाहिए हमें खुदा ने जैसे कल हमने पढ़ा कि जब तुम रजा रखो हमें ये नहीं कहा कि तुम चालीस रोजे रखो और उसमें ये करो उसमें रो और आज मैं याद करती हूँ कि वो उसमें वो रोया करते थे वाकई ही सीरियस मैं अपनी अम्मी को भी देखती थी कि वो रोती थी जब वो चौदह मकाम करते थे तो अब जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा हो कि कितने हम गलत काम करते थे तो इसलिए हमें जब आएंगे अभी तो अगर मैं भूल जाऊं तो कोई ना कोई मुझे याद कराए कि हम इस पे वो जो ये लेंट है या ये रोना ये चालीस रोजे जो है आ, वो ये उस तमूज के लिए रखते थे यानी नमरूद का जो बेटा था है ना तो हमें उस तरह से रोजे नहीं रखने हम रोजा रखें जैसा कि खुदा ने हमें अः खुद खुदा मसीह ने अः मती की में कहा कि जब तुम रोजा रखो है ना तो इसलिए किसी भी वजह से बहाली के लिए आजादी के लिए पाकिस्तीगी के लिए तोबा के लिए है ना या किसी को मसा करना है या आ, रहम के लिए तर्ज के लिए जब भी हम रोजा रखें तो उस तरह से रोजा रखें और कोई वो फिक्स नहीं है कि आप चालीस रोजे रखें बाइबल हमें ये नहीं बताती और पाक बनना है तो वो भी हम उसमें देखेंगे कि पाक हमें कौन बनाता है खुदाउन का कलाम सच्चाई आ, ये हमें की मेहूल उसके के खुदा उनका पाक कलाम जो है उस पे चलना सच्चाई पे चलना ये हमें पाक साफ बनाता है यानी वो ही जो हम कह लें बार बार हम सीखते हैं कि खुदा उनके हुक्मों पे जो चलता है वो हमें पाक और साफ बनाता है है ना और उसमें रह के जो हम तो क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये दरख्त की अगर आप जो कुछ ये क्रिसमस में करते हैं वो नहीं करोगे तो आप पाक नहीं बन सकते आप अपने खुदा को खुश नहीं कर सकते है ना क्योंकि ये खुदा उनकी तरफ से है और अगर वो वाले रोजे जो हैं उन दिनों नहीं रखते तो आप बहुत बड़ा कोई गुनाह कर रहे हो या बहुत बड़ा अपने सो नहीं हो है ना तो लेकिन हमें ये वो सब कुछ नहीं करना क्योंकि वो सब कुछ क्या है यही कह लें के नमरूद और अस्तारा मलका और जो आसमानों की मलका जिसको कहा गया है इसीलिए आप देखें कि इसको सारा जो कुछ इसको कहा गया है वो लोग वो उसको मुकदसा मरियम के साथ जोड़ देते हैं खुदा यसु मसीह के साथ जोड़ देते हैं कि ये मसीहा है हम अपने यीशु को मसीहा कहते हैं तो इन्होंने भी या इन ये उसको अपना शैतान जो है मसीहा मानते इसीलिए जब मैं आएगा तो लोग जो है वो खुश होंगे ये शैतानी लोग जो है कि उनका मसीहा जो है वो आ गया है है ना क्योंकि वो आ, इन मसीहा है और आपको शायद पता ही हो कि ये भी अपनी दुल्हन जो है वो तैयार कर रहा है यानी शैतान जो है इनके शैतान जो है उनके लोग भी पानी का बपतिस्मा लेते हैं आग का जो है वो लेते हैं यानी और अपने आप को कुर्बान करते हैं इस शैतान के लिए और खुशी से कहें कुर्बानी देते हैं अपनी और ये कहते हैं कि अब हमारा मसीहा जो है वो आ रहा है है ना तो इसलिए हम जब इनके काम करते हैं तो हमें बाइबल बताती है कि दुनिया से काम करते हैं तो हम जो हैं दुनिया के नहीं है हम जो हैं ये दुनिया ये बादशाही किसकी है शैतान की है क्या इस इसके हाथ में है अः शैतान ने इसको कुदरत दी हुई है जो की स्पिरिट है यानी वो काम कर रही है और ये खुदा जो है अब इन्होंने फिर से जोरों शोरों से कहले काम करना शुरू कर दिया क्योंकि इनको पता है कि अब हमारा मसीहा जो है यानी फिर ओ, एक हवाला में भूल गई उसमें लिखा हुआ है कि ये जो फिर से मसीहा आना है नमरूद के बारे में लिखा हुआ है कि वो फिर से आएगा और वो हमें बचाएगा है ना या वो हमें लेने के लिए आ रहा है जैसे हम मसीह के बारे में कहते हैं कि खुदा यसु आएगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा है ना तो इसलिए जब भी आप ये कुछ भी हम इसमें से काम करते हैं तो असल में हम शतानी काम करें ये दुनिया हमारी नहीं है हमारा घर आसमान पे है ये बादशाही खुदाओं के कलाम में से हमने काफी दफा ये हवाला पढ़ा कि दुनिया का खुदा है जैसे फरांग को कहा गया दुनिया का खुदा और जब हमने दो गवाहों के बारे में पढ़ा तो उसमें वो वर्ष हमने मेह ग्रंथियों के खत में पड़ी कि दुनिया का खुदा उसने अकलों को बंद किया हुआ है और इसलिए ये दुनिया किसकी है ये शैतान की है ये इसके मानने वालों की है इसलिए हम इसमें अपनी खुशी ना ढूंढे बार बार हमें खुदा दे। देखे बार बार खुदाम की तालीम उसके शागि की जो तालीम हमें मिली उसमें यही मिलता है कि दुनिया को अपना घर ना बना लें दुनिया से मोहब्बत ना करें क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमें पता ही नहीं है कुछ बातें तो हम अनजाने में कर लेते हैं जैसे मैं कहूँ कुछ निशानों का मैं बताऊं भी पता नहीं है ये सिंबल जो यूज करते हैं मुझे खुद नहीं पता तो हम अनजाने में कर लेते हैं इसलिए आप जब रात को दुआ करें तो इस बात की भी माफी मांगा करें कि खुदा जो कुछ हमने अनजाने में तेरे खिलाफ काम कर दिए हैं गुनाह कर दिए हैं खुदाउन उससे भी माफ कर है ना तो इसलिए अः हमदा आप सबको और मुझे भी फजल दे ताकि हम कह लें इससे क्या कहते हैं शैतान की चालों से बच सके है ना तो खुदादा आप सबको और मुझे भी फजल दे कि हम आ, इस शैतानी कामों से बचे रहें और खुदांद जो है <coughs> हमको बचा के रखें ठीक है तो गॉड ब्लेस यू बैक टू सनिया जी सनिया है हमारे साथ लास्ट पेज उन्होंने मुझे बोली थी मैं कर देती ओके okay, ठीक है और रविंदर सॉरी पापा और होस्ट Uh, मुझे बना देना ताकि वो फिर रिकॉर्डिंग का कई दफा पता नहीं चलता <laughs> रविंदर है आ, uh, वफा इसके लिए इस मेरा के लिए दुआ करनी है ना इस मेरा का बुखार फिर हुआ हुआ ओके ओके ठीक है ओके चलो ठीक है पापा प्रेयर करो खुदस 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 आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे ख़ालिक जिंदा खुदा तेरा शुक्र करते हैं तू जो था तू जो है तू जो आने वाला है तू अल्फारेगा खुदा है खुदा तू अब से लेके अब्दुलबादा तेरा शुक्र करता एखदा एखता यह दुनिया तेरी एखद ये आसमान तेरे एखता कुल कायनात एहता तेरी है खुदा तेरा शुक्र करते हैं एखदा कोई भी एखता काम एखद अबलीस एखता तेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता है खुदा क्योंकि एखना आपने उससे अख्तियार रखना आपने एकदा तो उसको ये इख्तियार नहीं दिया है खुदा और एक जो इख्तियार उसने हमसे छीना था एकदम वो भी इख्तियार है आपने छीन के एकदम हमें वापस दे दिया एक आपका इस प्यार के लिए एकदा शुक्र करते हैं खुदा कि आज जो एकदम आपने उसको हमारे पाँव के नीचे रखा हुआ एक है एकदा आपका शुक्र करते हैं कि एक आपने हमें उन लोगों में शामिल किया एकदा जिनकी एकदम रूहानी आंखें एकदता आपने खोली एखदा और एकदा एक बार फिर से एकदा आपने हमारे अंदर एकदा ये एक तालीम एहदा दी अपनी आवाज पहुंचाई कि एकदा, अगर किसी भी तरह से एखदा हम या हमारे बाओजदाद एखद ये गुनाह करते आए एक बुतप्रस्ती की एकदा बुरी रूह एखदा हमारे घरों में हमारे अंदर हमारे खानदानों में हमारे अफराद के अंदर एखदा काम कर रही है खुदा आपने हमें याद करवाया कि हम एखदा उसको ब्रेक करें एख्ता हम उस, yes. 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 उस को कैंसिल करें यीशु के नाम से कैंसिल करें क्योंकि आसमान जमीन पे एखदा किसी को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम में कुदरत हो

बेशकीमती खून से एकदम धो देते हैं कैंसिल yes उन yes तमाम yes लिंक्स को ब्रेक करते हैं खुदा जिस जिस घर में भी एकदा ये मनाया गया है उस तमाम लिंक्स को ब्रेक करते हैं एकदम हम अपना शैतान के साथ नाता तोड़ते हैं खुदा yes और yes एकदम yes हम yes आपके साथ अपना नाता जोड़ते हैं खुदा हम yes yes आपके sir. साथ अपनी ब्लड लाइन को एकदम लिंक करते हैं खुदा व्लीस के साथ हमारे हर तरह के लिंक खत्म हो जाए खुदा यस्सू के नाम से एक ऐसा ही होता आप यहाँ पे मौजूद है आपका पाखरू यहाँ मौजूद है खुदा आपका बेटा हमारी शिफायत के लिए यहाँ मौजूद है आप जानते हैं हमारे yes, सबके yes. गुनाहों को जो हमें याद है जो हमें नहीं याद है किस किस तरह हम करते हैं आपको खुदा है, आपको इन तमाम कामों से खुदा नफ़रत है मकरूहत है आपको नफरत है खुदा हम इनको पहचाने अपनी रूहानी आंखें खोले खुदा हम सब एम इसको देख सकें हमें ये फजल है हम सदा एकदम आपको तकते रहे इसी तरह कलाम की सच्चाइयों से आगा होते चलें अपने है आपकी मर्जी के मुताबिक हमारे हमारे लबास पे पे कोई, कोई दाग नादा आपकी आसमानी हमें हमेशा अब्लीस से महफूज रखना है और अपने परों के सायदा हमें इसी तरह छुपाए रखना है खुदा एकदम जो लोग एखता इस कलाम को एकदम जो एकदा हम जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं एकदम इस पे अमल करने का तफी फरमाना ताकि हम सौ गुना पल ला सकें इस कलाम को एकदम जब हम आगे एकदमिल करते हैं एकदा, उन लोगों में एकदा, एकदा जिस जिस के पास ये कलाम जाए सौ गुना पल लाएद ये कलाम है एखद क्यूकी आपके कलाम में लिखा है कि ये असर किए बगैर वापस नहीं आता है एकदा ये बेतसीर नहीं लौटता एकदम क्योंकि आपका कला बंद बंद गुदे गुदे को चीरता हुआ जाता है आप का कलाम हथौड़े की माने देखता जो पढ़ता है किसी चीज पे तो उसको रेजा रेजा कर देता है ये कलाम एक जो कोई भी सुने एकदम उन तमाम लोगों के दिलों पे एकदा असर हो उनकी जिंदगियों में एकदा वो अपने इस इस कलाम को खुदा अरे अरेदा बहुत सी जिंदगी आपके वसीला से एकदा आपके नाम के वसीला से एकदम बच सके खुदा yes, एक yes. एकदा ये आपकी आवाज़ थी ये आपकी मर्जी थी एकदम के हम इस आवाज़ को सुने इस कलाम को सुने एकदा, इस कलाम के वसीले से हम अपने गुनाहों को याद करें अरे दा उनकी माफी मांगे ऐसद हमारा ईमान yes, है कि एकदम हमारे गुना एकदा इस वक्त धुल चुके हैं एकदा क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुना कैसे भी करमजी क्यों ना हो वो धुल कर बर्फ की मानी सफेद हो जाते हैं एकदा आपके तमाम वादों के लिए एकदा आपका शुक्र करते हैं खुदा आपके प्यार के लिए एहदा शुक्र करते हैं खुदा एकदा जितनी भी जाने आई है एखदा अगर कोई ऐसा बीमारी में ऐसा उसकी बीमारी को दूर करेद अगर कोई खुशी में उसकी खुशी को दुबला करें लिए दुआ करते हैं जबकि एहदा वो उसको ऐसा अब्लीसी किसी भी तरह से बीमारी के से उसको तंग कर रही है यीशु के नाम से एहदा उनको बांध देते हैं क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता आपके बंद किए कोई खोल नहीं सकता है खुदा तो एखद उसी इख्तियार से अखद अबलीस की सारी कुतों को बंद करते हैं खुदा जो किसी भी तरह से एकदा, आप में एकदम फलते फूलते रहे बढ़ते चले जाए एक शिफा yes एकदा हमारी इलाही शिफा एक आसमान से नाजिलोद हम एक अपनी उस मराज को एकदा हमेशा के लिए एखता था मेरे एकदा आपकी खादमा के लिए दुआ करते हैं खुदा इनको खास अपनी हिफाजत में रखना अपनी पनाह में रखना खुदा हर तरह के अब्लीसी हमलों से एकदा इन्हें बचा के रखना है इनके खानदान को बचा के रखना है इनके बच्चों के लिए खास दुआ करते हैं खुदा वो भी आपके नजदीक इसी तरह एक इस जिस तरह एक माँ बाप एक बड़ी दिलफशानी के साथ एकदम आपकी खिदमत कर रहे हैं एकदम आपके जलाल को जाहिर कर रहे हैं खुदा आपका एकदम आपका काम कर रहे हैं आपकी खिदमत कर रहे हैं इसी तरह वो अपने माँ बाप के शाना बशाना चले और आपके एकदम नाम को एक अपनी जिंदगी से जलाल देते रहे yes, yes, हमेशा तक एकदम हम जितने भी यहाँ पे आपके हजूर हाजिर हुए खुदा एकदम हम अपनी आखिरी सांस तक एहदा आपके वफादार अहदा रहे और एकदम हम आपकी जब आप बादलों पे आए खुदा हमें लेने के लिए तो एकदम हम हवा में उड़ के आपका इस्ते कर सकें क्योंकि हम आपकी yes, खुदा एकदम आप हमें लेने आ रहे हैं खुदा, आपका शुक्र करते हैं खुदा ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके पाक अपने इर्द गिर्द लगा लेते हैं हर तरह की अबलीसीवतों को बांध देते हैं कल जब हम दोबारा से एकदा आपके हजूर हाजिर हो एकदम एक, एक नए मसे के साथ है, एक नए जोर के साथ हमें अपनी आवाज आवाजा ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके बेटे खुदा के से आमीन आमीन

रानी वीएस हम्म वो समझत हां जी पता नहीं सो <laughs> <laughs> हाँ, गई है लागी हां होस्टल बनी है तो नोइंग मीटिंग नो बन कर सकते हैं तो पैसों लोग से जी उठ गए <laughs> 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 मैं नींद ही जो टाइम ना इ नींद अच्छा अच्छा आम... ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆ ਹੱਥੋਂ ਪਾਨ ਗਏਗਾ ਨਾ ਹੋਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟ ਬਣਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਫਲਾਣ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾ ਨਿਕਲਦੀ ਫੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੜ ਜਾ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ बंद हो जी, हो जी, होना तो कोई और होस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा ओके okay, ऑफलाइन आप नहीं मीटिंग okay. बंद okay. okay. uh, okay. हो जानी okay, है मीटिंग okay, अच्छा? हां जी हो जाएगा चलो रविंदर फिर uh,